और अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद हुए बांदा के सीआरपीएफ जवान विकास कुमार का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव लामा में किया गया। शहीद के अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा। इस दौरान सीआरपीएफ के कई अधिकारी और जिले के आला अधिकारी भी शामिल हुए और शहीद को अंतिम विदाई दी गई। तो शहीद विकास बीजापुर में सीआरपीएफ की कोबरा 204 बटालियन में तैनात थे, जो 10 फरवरी को नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद विकास अपने पीछे अपनी माता, पत्नी और दो भाइयों को छोड़ गए हैं। विकास के पिता की 2 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। शहीद विकास की शादी के अभी 1 साल पूरे नहीं हुए हैं। उनकी शादी बीते साल 22 फरवरी को हुई थी। प्रदेश सरकार ने शहीद के परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इसके अलावा उनके गांव में शहीद की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। प्लीज अब आप लोग हट जाओ, चलो चलो। आगे बढ़ा।